अच्छा जी, सॉरी फॉर स्टार्टिंग द क्लास सो मच लेट. ठीक है, वो थोड़ी मीटिंग्स आ रही हैं आजकल, डिपार्टमेंट की मीटिंग्स बहुत हो रही हैं. मे बी नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए जो है ना कुछ डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो रही हैं. मैम अच्छा ऑन जी, कैंपस हाँ जी, मे बी कोई पता नहीं है ना, क्योंकि अब हर जगह स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो जल्दी एक नोटिस आ सकता है. ठीक है. अच्छा जी, हाँ जी, काम की क्या अपडेट है आप लोगों की, मैम पैशन अभी के काम की? रिसर्च, यस मैम, रिसर्च की है जो आप लोगों ने हमें डिजाइनर बताए थे उसमें से. तो अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. मुझे है कि मैं अभी थोड़ी और रिसर्च करूँ, बिकॉज जो आप अच्छा. सर्च करते हो ना, खासतौर पर आयरिस वन हैपन की, तो उसकी जो पिक्चर्स आ रही हैं वो मोस्टली एक ही तरह की आ रही हैं, और जो हाँ, उसकी मोस्टली. मेन कलेक्शन है जी वो एक ही तरह की आ रही है. तो मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूँ अभी उस पर. ठीक है. आप कुछ ड्रेस में चेंजेस भी कर सकते हैं, दो इलस्ट्रेशन लेके उनको कुछ ऊपर नीचे चेंजेस कर लो एक ही ड्रेस की. मतलब आपको अगर लग मैम रहा है उसमें कि हंसबेंड को जो मैं एक ठीक कर पर्टिकुलर सकती ड्रेस है, हूँ. ओके मैम, अगर अगर चेंजेस वो कर लग रहा सकते है हैं फिर तो. हाँ तो कर ओके सकते हैं, कर सकते हैं. जिन आप हेडगियर ऐड कर सकती हैं, ठीक है, आपको और उसको अच्छा कैसे बना सकती हैं, लेकिन अच्छा कंपोज्ड हो. ठीक है, मतलब कि आप अपने बीच में वेरिएशंस भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है. ठीक है. हाँ जी, बाकियों की क्या अपडेट है? ज़ैनब, सुमैया, निम्रा, खदीजा, कोई कोई आपने इमेज अप्रूव करवाना है, कोई डिस्कशन करनी है, ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को पोस्टर में समझ नहीं आ रही फैशन डिजाइन के, वो पूछ सकते हैं आप लोग. मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना इसी हफ्ते में सारी फोटोशॉप की असाइनमेंट अच्छा. करवा दूंगी. मैम मैं घर गई थी तो फिर मैं अभी वापस आई हूँ, उसके पास लैपटॉप भी नहीं है. ओवन नहीं है? हाँ जी, क्या बता रही सुमैया, आप बताएं. मैं इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आपको फोटोशॉप की असाइनमेंट्स चेक करवा दूंगी. मैं घर गई हुई थी, अभी आई हूँ तो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है. अच्छा, लेकिन आपने जल्दी जल्दी करवानी है, क्योंकि मैंने अब अपलोड करने हैं, आधों को तो चेक होगी. मैं भी दिखा देती हूँ कि किस किस सीरियत हो गई थी सबकी असाइनमेंट, फैशन की और उसकी. मैम मैंने वो दूसरी असाइनमेंट सारी करवा दी है आपको, से सीरत को सेंड कर मैम मेरे दीजिए. पास, मैम मैंने जिस दिन आपको मैसेज किया था ना, उस हाँ दिन जी. मेरे पास जितनी असाइनमेंट्स थी मैंने सेंड कर दी थी. लेकिन मैं मेरे घर में ना 3 दिन से लाइट का बहुत इश्यू चल रहा है, तो अभी इस 3 दिन में मेरे पास और भी पिक्चर्स और स्टूडेंट्स की आई हैं, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की. लेकिन उस दिन जितनी थी मैंने सारी कर दी थी. ठीक हो गया, ठीक है. मैम मेरी बस फोटोशॉप की रहती है, दूसरी वाली सारी मैंने कर दी. ठीक है. और इसके अलावा और किसने कुछ बताना है, पूछना है? किसने कोई अप्रूव करवानी है इलस्ट्रेशन, तो अप्रूव करवा लें, वरना कुछ डिटेल पे डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को जरा इलस्ट्रेटर का डेमो दे देती हूँ, फैशन, वो जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर. ठीक है, जरा स्क्रीन शेयर करें, जरा चेक करें. अच्छा, फैशन को किस तरह से यूटिलाइज, मतलब कि किस अडोब इलस्ट्रेटर को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है फैशन के अंदर, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो उसमें कुछ चीजें आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, वो क्या क्या हो सकती हैं. ठीक है, इट्स अ बिट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू फोटोशॉप. फोटोशॉप एक रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है और ये वेक्टर बेस है. ठीक है, वेक्टर होता है कि जिसमें पिक्सल पिक्सलेट नहीं होते व्हेन यू जूम आउट द पिक्चर, और जबकि रास्टर में होता है कि वो पिक्सलेट हो जाती है. ठीक है, लेट सपोज आप एक मोटिव, एक एक लोगो जो है, अगर वो A3 साइज शीट पे बनाते हैं, ठीक है, या A3 साइज जितना लोगो है, तो वो अगर ए बिलबोर्ड साइज पे भी अगर वो लोगो चला जाता है बिलबोर्ड साइज का, तो तब भी उसकी पिक्सल पिक्सल सेम रहेंगे, वो फटेगा नहीं. ठीक है, तो इसमें स्केल का प्रॉब्लम नहीं होती वेक्टर में, रास्टर में ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो मैं आप लोग बता देती हूँ फैशन टेक्निकल जो है, टेक्निकल ड्राइंग. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम.
हाँ जी ये काम ठीक है, इस तरह का काम जो है कि आप पैटर्न्स को छोटा बड़ा हर लिहाज से अच्छी तरह करके उसको जो है ना सेटअप कर सकते हैं। अब ये इमेज आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखिए डिफरेंट पैटर्न्स लेके आप डिफरेंट इलस्ट्रेशन ड्रॉ करें, ठीक है, वो पैटर्न सेव भी हो जाते हैं HD में। पैटर्न्स मोस्टली जो है ना जो पैटर्न डेवलपमेंट होती है ना वो इलस्ट्रेटर पैटर्न्स के अंदर होती है, ठीक है, ये देखें। और आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, हेयर के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, फिगर्स के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और फेसेस के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको, हेयर स्टाइलिंग के मिल जाएंगे, मतलब काफी कुछ है, बड़ा एडवांस किस्म का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इसमें जितना आप लर्न करते जाते हैं इतना ज्यादा चीजें आपको मिलती जाती हैं। इसके अलावा आपने इस तरह के टेक्निकल ड्राइंग्स आपको बेसिक सिखाई जाती हैं, पहले कि आपने सिंपल ट्राउजर कैसे ड्रॉ करना है, आपने सिंपल स्टिचेस कैसे ड्रॉ करने हैं, स्टिचेस कैसे डलते हैं, ठीक है, और सिंपल जो है ना ये इस तरह की चीजें, नेट्स कैसे बनती हैं, ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर काम होता है। जैसे देखें ये टैग पैक बनवाए मैं ना, मैंने आप लोगों से नहीं बनवाए? नो मैम, मैम यानी कि इसके अंदर जो हम लोग एनिमेशंस वगैरह पिक्चर्स देख रहे होते हैं वो सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? यस एनीथिंग। अभी देखो इलस्ट्रेटर जो है ना बहुत ही मजे का है, मतलब कि अगर आपको मतलब फोटोशॉप जब आप इलस्ट्रेटर जब आप लोगों को आ जाता है तो मोस्टली लोग फोटोशॉप को तो भूल ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेटर पे काम करने का बहुत अच्छा मजा आता है, क्योंकि इस पे तो एक तो लेयर्स नहीं होती, ठीक है, इस टाइप ऑफ बोर्ड होते हैं इस पे, मेरे पास शायद इलस्ट्रेटर है, मैं चेक करती हूँ, दो चलता है कि नहीं चलता दो इलस्ट्रेटर, थोड़ा क्रैक हुआ सिस्टम, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा ना डेमो इसका देती हूँ अच्छी सी, इंशाल्लाह आपका कैड नेक्स्ट में हुआ या किसी में भी हुआ तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी इस पे काम, वरना डोव इलस्ट्रेटर का शॉर्ट कोर्स ही रख लेते हैं समर में, ठीक है, ये ठीक रहेगा? यस मैम, ये तो बेस्ट हो जाएगा। एक शॉर्ट कोर्स, क्योंकि मिस अनीका है वो शॉर्ट कोर्स करवा रही है डो फोटोशॉप पे, तो एक इलस्ट्रेटर का भी हो सकता है। अब ये देखें स्क्रीन नजर आ गई आप लोगों को, अभी देखें कितनी अच्छी क्लियर ड्राइंग्स हैं, ठीक है, क्लियर पैटर्न्स हैं, ठीक है, मतलब बड़ी अच्छी ड्राइंग्स हो जाती हैं, सिलेक्शन लेके आप कॉपीज बना सकते हैं, ये पूरा बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी फेस पिक करें, ठीक है, कोई फेस पिक कर लिया आपने, ये तो एडवांस मेरे ख्याल में इसके पास ना वो पूरा पैकेज है, ठीक है, जिसमें से सेव किए हैं, हेयर स्टाइल भी है, ये कुछ लोग खुद ही बना के जो है उनको सेव कर लेते हैं। अभी देखो जितना मर्जी इसको जूम करते जो आप यहाँ पे ना पिक्सलेट नहीं होती है, सारे हेयर स्टाइल ईच एंड एवरीथिंग, मतलब अपनी इलस्ट्रेशन खुद डेवलप करो आप लोग, ठीक है, लाइक दिस। इसमें लेयर्स नहीं होते, इसमें बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब एक ही बोर्ड के ऊपर जो है ना इसे सारे फिगर्स भी रखे हुए हैं, ठीक है, सारे पोजेस भी रखे हुए हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं जरा स्पीड अप कर देती हूँ, जस्ट रैंडम सा एक आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं काम तो नहीं करवा सकती। इसके अंदर पैटर्न्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, सबसे अच्छी चीज जो है यहाँ पैटर्न डेवलप है, देन पैटर्न डेवलप करके उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसके फैशन इलस्ट्रेशन के अंदर। अभी देखिए पैटर्न्स बने हुए हैं, और सारे पैटर्न्स बिना सारे वेक्टर पैटर्न्स हैं, ठीक है, पिक्सेलेट नहीं होंगे। कलर भी चेंज कर सकते, सिलेक्शन लो, कलर चेंज करो, बटन्स के कलर चेंज करो, ठीक है, फैब्रिक्स लगाओ,
तो बड़ी अच्छी किस्म की इलस्ट्रेशन जो है ना वो इसके अंदर बन सकती है। और देखो पूरी कलेक्शन बना रहा है, तो एक के फैब्रिक उसने वहां यूज किए, एक फैब्रिक इसने इधर यूज किए, और फिर एक फैब्रिक यहाँ पे यूज हुआ। अभी लेदर फैब्रिक है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी इसके अंदर, इसके अलावा ये काम टेक पैक बहुत अच्छी जो है ना वो फैशन उसका है कि जिसमें आप लोग, अगर आप लोगों को टेक पैक बनाने आते हैं, सिर्फ टेक पैक ही बनाने आते हैं, तो आप अच्छी खासी जॉब जो है ना आपको मिल सकती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक पैक्स, ठीक है। जिसमें आपने प्रॉपर जो है ना ड्रेसेस के टेक पैक बनाने हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल देनी है, साइज क्या होगा, ठीक है, मेजरमेंट्स कैसी होंगी। मैम वो जो गारमेंट्स की स्मॉल मीडियम लार्ज जो साइज, स्मॉल मीडियम नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज, उसके अलावा टेक पैक में होता है कि आपने प्लीट्स कहाँ पे आएंगी, सिल्वर्स कहाँ पे आएंगी, ये कट लाइन कहाँ पे आएगा, बटन कहाँ पे आएगा, हुड कहाँ पे खत्म हो गए, पूरी टेक्निकल ड्राइंग्स बना के उसके बाद जो है ना आपने उनकी डिटेल मेंशन करनी है, फैब्रिक कौन सा यूज होगा। मैं एक जरा टेक पैक के ना बोर्ड भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये काम जो है ना मैंने आप लोगों से सीनियर्स लोगों को करवाया हुआ था बहुत पहले, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था इसी तरह जो है ना। अब इसी को एज इट इज जो है ना रिपीट कर लेगा दूसरी साइड पे लाइक दिस, और इसी तरह इसको यहाँ पे जोड़ लेना। ये आप लोग साथ में लैब में हो ना, तो लैब में बहुत अच्छा काम होता है कि लैब में ये आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाए साथ साथ, आपके साथ साथ जहाँ पे आप रुकते हैं वहां वहां मैं आप लोगों की हेल्प करूँ साथ साथ, तो बड़ा अच्छा फिर जो है ना इस तरह से काम हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए इतना जबरदस्त जो है ना, अब बेशक ये आप जब एक आपने पैटर्न बना लिया ना, तो उसको सेव करके 600 कॉपीज बना के उनके कलर चेंज कर लो, वेरिएशन चेंज कर लो, ठीक है, और HD में जो है ना आप उनको सेव करें, और इस तरह की वेरिएशन जो है ना फिर आप अपने मार्केट में जो आप जहाँ पे काम करते हैं वहां दिखा सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो है ना, जैसे कि कुछ है तो कुछ होता है, कुछ आप इलस्ट्रेशन बनाए उनको और बाद में इलस्ट्रेटर में जाके जो है उसको चेंज कर लो। सिंपल अपनी इलस्ट्रेशन आप लोग कॉपी पे बना लें, और उनकी वेरिएशन अगर आपने चेक करनी है कि कैसी होंगी, तो वो आप जो है उससे ट्रेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप देखो, और इसमें ड्रॉ करना भी आसान है, ठीक है। और इसमें लेयर्स भी होती हैं, बोर्ड्स वाला ऑप्शन तो होता ही है, लेकिन लेयर्स वाला ऑप्शन भी होता है कि आप लेयर्स में अगर काम करना चाह रहे हो तो लेयर्स में करें बेशक। अब सिंपल जो अपने रफ स्केचेस ट्रेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो
है उसी को सर रिपीट करके। और दूसरी बात है कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, प्रैक्टिस बाय हैंड, ठीक है, डेली ऑन प्रैक्टिस उस पर डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो फायदा कोई नहीं होता कि आपने एक दो लेक्चर लिए और उसके बाद आप समझते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर आ जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना आपकी प्रैक्टिस से शो होती है। अब अक्सर लोगों ने फोटोशॉप पे काम करते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग वैसे भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की स्किल जो है ना ज्यादा नीट और ज्यादा हाथ जो है उनको साफ दिखाई देता है मुझे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि वो लोग हैं जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की हुई है या ये साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते हैं, तो कोशिश किया करें इनको प्रैक्टिस किया करें। अब देखने काफी ज्यादा चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। अभी देखिए सिंपल स्केच पहले आप ड्रॉ करो, ठीक है, स्केच को बाद में इलस्ट्रेशन में चेंज कर दो। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम क्या हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर पे 2D इलस्ट्रेशंस ही बनाते हैं या 3D इलस्ट्रेशंस भी बन सकती हैं? सारा कुछ बन सकता है। 3D, हाँ 3D जो है ना, थोड़ी 3D के लिए कोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो उन पे जाके बनती हैं, अगर जिसमें मूविंग इलस्ट्रेशंस होती हैं। ओके मैम, मतलब कि 3D पूरी पूरा जो है ना वो उसके लिए मेरे ख्याल में कोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो 2-3 हैं, ठीक है, तो उन पे जो है ना हम लोग कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर ड्रेस फ्रंट और बैक से नजर आता है। इवन कि आप उस पे अगर आप पैटर्न की अपनी जो है ना मेजरमेंट्स पे दें ना, लेट्स सपोज अपनी मेजरमेंट एंटर कर दें, तो इस तरह का वो पैटर्न पूरा डेवलप कर देगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेशन के ऊपर डाल देगा, ठीक है, तो इस किस्म की जो है ना वो भी होता है। अब देखिए फौरन इसको करके इकट्ठा पैटर्न बना लेगी, देखें ये, तो ये चीजें जो है ना यहाँ पे बड़ी ईजी है, ये लाइक दिस, और वहां से स्पेसिंग चेंज कर देगी, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देगी, तो डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने, मतलब कि अगर मैं आप लोगों को ना भी डेमो दे सकी ना, तो एक सुई हेडी है, ठीक है, ये तो है ना, एक यहाँ पे एक लड़की, हाँ ये इसी की है, ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन आप लोग दे सकते हैं। इसकी ना PDF की फाइल्स भी होती हैं, ठीक है, ये इलस्ट्रेटर जो है ना वन बाय वन एक एक स्टेप में सिखाती है, तो ये भी इसके अच्छे कोर्सेज भी हैं, तो अगर आप लोग ऐसे घर में इंटरेस्टेड है, इलस्ट्रेटर आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, समर में, तो बेशक आप इसके कोर्सेज भी ले लें, ठीक है, ये आप नाम बेशक नोट कर लें नीचे, सुई। अब देखिए प्रॉपर एक फ्रेल बनाना और उसको सेट करना कि भी कितना मुश्किल है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर वो। ठीक है, सारा इसी तरह डिटेल काम।
मोस्टली इलस्ट्रेशन में ना फोटोशॉप इस पे इलस्ट्रेटर पे जो ना हाफ इलस्ट्रेशन बनाते हैं, ठीक है, बाकी खुद ही जाना रिपीट हो जाती है। कर्व्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एंकर पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, ग्रुपिंग करनी होती है, कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें आप लोग। ये तो चलो वैसे मैंने एक एज अ थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको चीजें बता दी। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी, एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, फाइनल प्रोजेक्ट्स, किसी को मसला हो रहा है, कोई इशू है तो मुझे बताएं, ठीक है। नो मैम, अभी तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वो पिक्चर सिलेक्शन का काम ही है। अभी इंशाल्लाह उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से फिर ऑन कैंपस भी आपसे पूछ सकेंगे। हाँ जी, वही कह रही हूँ कि ऑन कैंपस भी हो जाएगा, तो चलें नेक्स्ट वीक का फिर वेट करें आप लोग, ठीक है। मैम क्या बता रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, ऑन कैंपस तक क्लासेस करेंगे? हाँ जी, उम्मीद है कि खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो खुल गए हैं, बाकी तो अभी यूनिवर्सिटीज भी खोल देनी चाहिए इनको। ठीक है, मैम, लेकिन एक बात है कि ये हमारे बाकी प्रैक्टिकल कोर्सेज, आपने तो हमें फिर भी असाइनमेंट्स करवाई हैं, लेकिन जो हमारे अच्छा बाकी कोर्सेज हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, क्योंकि एक सेमेस्टर जो होता है वो 4 मंथ्स का होता है, और अब ये ऑलमोस्ट सिर्फ 2-3 वीक्स रह गए हैं। इसमें हम लोग हमारी सॉइंग, ड्रेपिंग और पैटर्न कैसे कवर कर सकते हैं, उनकी हमारी कोई क्लास अब नहीं हुई बेटा, है अब इसका ये बिल्कुल होगा भी। ना कि इस, हाँ नहीं, इसका भी एक तरीका होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 या 1.5 महीने का या 1.5 महीने का टाइम लेते हैं हम लोग, तो उसमें फिर आपकी जो लैब्स होती है ना, फिर वो ना जो 2 महीनों का काम होता है ना, वो फिर मतलब के ऑल डे लगाते हैं फिर वो उस पर, क्योंकि फिर बाकी चैन बाकी कोर्सेज तो आपके कम्प्लीट हो चुके होते हैं। लेट्स सपोज मेरा कोर्स तो कम्प्लीट हो जाएगा नेक्स्ट तक, तो आपने काम ही करना है, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों के पास एज होता है कि आप लोग सिर्फ आप ये पेंडिंग कोर्सेज करने हैं, तो मेरी क्लासेस भी मतलब उसी में आप लोग टाइम यूटिलाइज करेंगे, मतलब कि फिर आप ये कह लो कि ओवर टाइम कह लो, कि जो टाइम वहां नहीं हुआ घर बैठ के, वो सारा का सारा भी यहाँ यूटिलाइज होगा लैब में ही। फिर आपको सुबह शाम लैब लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिर इस तरह से कवर होगा। तो अनफेयर तो है, नो डाउट अनफेयर तो काफी चीजें हैं, क्योंकि मसला है ना कि अब लैब, क्योंकि जो एफिशिएंसी जो ना आप लोग यहाँ कर सकते हो घर पे नहीं हो सकती, तो जो गवर्नमेंट के रूल्स थे वो उस तरह से फिर नहीं फुलफिल कर सके हम लोग। तो कोशिश तो यही थी कि किसी तरह से कर लेते, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम भी इस तरह से किया था, बच्चों को ड्रेपिंग भी समझ नहीं आई, वो भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो इस वजह से जो ना पैटर्न, ड्रेपिंग और स्विंग जो है ना, तीनों को स्किप करवाया कि वो नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग उदास ना हो और ना हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनशाला जो भी चीजें आप लोग कवर करनी होंगी वो हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, अभी इन्हीं चीजों पर मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी हम लोगों को फोर्थ कौन सा सेमेस्टर है वाला, फोर्थ है मैम। और ड्रेपिंग और पैटर्न मेकिंग कौन सी कर रहे हैं, 1 2 कौन सी कर रहे हैं आप लोग? मैम 2 है हमारी, दोनों ड्रेपिंग की, पैटर्न की भी और सोइंग की भी। पहली वाली में क्या किया आप लोगों ने?
मैम हमारी जो ड्रेपिंग वन थी उसमें हम लोगों ने स्कर्ट्स की थी, और स्कर्ट्स का भी ये इशू था कि हम बाद में ना मैम रब्या के साथ और हमारी एक और मैम के साथ ना मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि स्कर्ट्स भी बच्चों को समझ नहीं आई थी, तो इस सेमेस्टर में बॉडीज के साथ साथ हमें स्कर्ट भी करवाएंगे। लेकिन बॉडीज से दूर की बात, अभी तो हमारा स्कर्ट भी कम्प्लीट नहीं हुआ। पैटर्न मेकिंग का भी यही है, हम लोगों ने स्कर्ट्स तो अच्छे से कर लिए थे पैटर्न उसके, लेकिन बॉडीज भी स्टार्ट भी नहीं किया हमने, और सोइंग तो बिल्कुल भी नहीं की। सोइंग तो पिछले सेमेस्टर में भी हमने ही नहीं की थी, हमें मशीन चलानी नहीं आती है। वो तो कोई मसला नहीं, वो सारी आप लोगों को आ जाएगी, और इतनी आएगी फिर आप लोग तंग आके ना किसी और से बनवाना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी उस वक्त इंतजार करें जब आप लोगों ने स्वयं भी सारी खुद करनी है, पैटर्न मेकिंग भी खुद करनी है, ड्रेपिंग भी खुद करनी है, जब आप लोगों की 8-8-6 घंटे की लैब्स होंगी ना, तो अभी बेशक इस वक्त को एंजॉय करें, जो मिला होता है उसको एंजॉय करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जो है ना काम आपने अभी बहुत करना है, ठीक है, ये 1.5 महीना आगे जो आना है आप लोगों का, इसमें काम ही काम है, ठीक है। तो उस वजह से वो आप लोग ना हो, जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आती है आप लोग अपने टीचर से इंस्ट्रक्टर से पूछें कि हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जब एक दो लैब्स खुल जाएंगे तो कोशिश करनी है आप लोगों ने टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके जो है ना जो भी चीजें क्लियर नहीं है वो क्लियर करके सीख के जानी है यहाँ से, ठीक है। लैब यूज करो, फोटोशॉप क्या था मैं, ये डिजिटल की लैब नीचे, स्विंग की लैब, ड्रेपिंग की, सारी फैशन स्टूडियो, सारी लैब्स उनको यूटिलाइज करो आप अपने फ्री टाइम में। कोशिश करें कि समर वेकेशन में भी जाने इधर उधर ना जाएं और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा के यहाँ पे काम कंप्लीट करें अपने, ठीक है, जितना हो सकता है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी नहीं मिलेगी, पता नहीं, अब देखिए जो भी डिसाइड होता है बच्चे, मैं वो उस तरह से नहीं कह सकती, ठीक है। जनरली मैं कुछ भी अब कैसे डिस्क्लोज करूं, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। तो जैसे ही क्लियर होती हैं आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और वैसे भी अभी ईमेल जो है ना डायरेक्ट मतलब कि संडे को आएगी, शायद सैटरडे संडे को ईमेल आएगी रिगार्डिंग टू 7th June का वाला जो सीन था। हाँ जी, मेरे उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने हैं आप लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी? हो जाएगा ना आप लोगों से काम, जो मैंने काम दिया है आप लोगों को? यस मैम, इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा करना, और अच्छी अच्छी फ्रेमिंग भी करनी है, ठीक है। फ्रेम गंदे गंदे यूज नहीं करें, फ्रेम अच्छे यूज करने, ओनली ब्लैक फ्रेम, जो चपटी वाला ब्लैक फ्रेम नहीं होता, सिंपल वो वाला यूज करना है आप लोगों ने। और इलस्ट्रेशन बहुत बड़ी भी नहीं बनानी कि पूरे जो है ना A3 साइज पे आ जाए, मतलब लाइक A2 साइज पे, मतलब दरमियान में हो, लाइक प्रॉपर स्पेस भी साथ हो, ठीक है। बेशक आप लोग साथ साथ मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखा भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं कि मैम ये ठीक जा रहा है ठीक नहीं जा रहा है, सारा कुछ पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। चलिए जी, ठीक है, फिर काम करने बैठ के, और कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। दो तीन बच्चे बोलते हैं, बाकी बोलते ही नहीं, मुझे बाकी को पता ही नहीं है क्या उनकी प्रोग्रेस जा रही है। और तो आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर लें कि आप लोगों को समझ आ गई है जो मैंने कहा है। हाँ जी, मलिया, लारेब, यशफा, निम्रा, वहाब, मतलब मलिया, लारेब, यशफा और निम्रा वहाब जो क्लास में नहीं है वो मोबाइल कहीं रख के साइड पे चली गई हैं, तो बाकियों को समझ आ गई। चले जी, ठीक है। मैम अभी डीसी की क्लास होनी है? नहीं, डीसी की नहीं होनी, बस ठीक है, इसी में डिस्कस कर लिया मैंने। यस मैम, ओके, ठीक है, चलें काम शाम करें बैठ के अपना आप। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।